सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय गुरुदेव सुमिरन करो सतगुरु स्वामी का सुमिरन करो सतगुरु स्वामी का तुम अपने पुरुष नामी का सतगुरु स्वामी का सुमिरन करो सतगुरु स्वामी का पांच रूप स्थान बतायो पांच रूप स्थान बतायो वही सतगुरु अपने स्वामी का सतगुरु अपने स्वामी का सुमिरन करो अपने स्वामी का सुमिरन करो अपने स्वामी का पुराना पुरुष सतगुरु नामी पूरन पुरुष सतगुरु घट घट वासी अंतरयामी घट घट वासी अंतरयामी सुमिरन कर लो स्वामी का सुमिरन कर लो स्वामी का सुमिरन करो अपने स्वामी सुमिरन करो अपने स्वामी का कि सतगुरु पुरुष नामी का सतगुरु पुरुष नामी का सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय प्रेमियों विरह वेदना अंतर में जब लगती है वो अंतर में किस तरह लगती है स्वामी जी महाराज ने अपने सदगुरु ने ये बताया है कि पहले मुझसे प्रेम करो तो जब तुम अपने स्वामी का सुमिरन करोगे आठों याम याद रखोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा स्वामी तुम्हारे घटपट में आएंगे निज मौज बन जाएगी रोज रोज दर्शन मिलेगा आप सभी लोग समझते हो कि जिस चीज में तुम्हारा स्नेह हो जाए मन लग जाए और वही चीज तुमको दिखने लगेगी तो जब स्वामी का सुमिरन करोगे स्वामी तुम्हें दिखने लगेगा तो स्वामी जहां जा रहा है उस स्वामी के पीछे पीछे आप जाओगे वो राम के यहां जा रहे हैं तो राम दिखेगी कृष्ण के यहां जा रहे हैं कृष्ण दिखेंगे स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि में कहीं भी जा रहे हैं तो सब दिखेंगे अपने बल से अगर ये सुरत जीवात्मा बलवती होती तो कब के ये वैकुंठ धाम चली गई होती गुरु की जरूरत सदगुरु की जरूरत नहीं होती पर यहां का विधान है जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे पूरे तब तक आपका कल्याण नहीं शब्द भेदी गुरु वो सतगुरुदेव भगवान मिलना ही चाहिए सतगुरुदेव भगवान उसी को कहते हैं जो सत्य का हो सत्य का सिंधु हो सत्य के सागर में नहाता हो सतलोक धाम आता जाता हो
उसी को सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं। वो सद्गुरुदेव भगवान नरमानव पोल पर इसी धराधाम पे मौजूद रहता है और सारी सच्चाई वहां की बखान करता है। यहां की चीजों को वो इस प्रकार से बताता है जिस प्रकार से आपकी चाहत हो। यहां पर जिस चीज की जरूरत होती है उस जरूरत को बताता है, फालतू नहीं बताता। और ये जो निस्तिन की चर्या है, वो निस्तिन की चर्या में ये बताता है कि तुमने प्रभुराम से कॉल करार किया है भजन करने के लिए, मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए, तो तुम सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन करो। तो सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए जब हम सभी लोग बैठते हैं तो सर्वप्रथम अपने स्वामी सद्गुरु की वंदना अंदर अंदर करते हैं। पांचों नाम की माला जब करते हैं तो उससे पहले पांचों धनियों को प्रणाम करते हैं। पांचों नाम की माला पूरी होने पर अपने सद्गुरु को प्रणाम करते हैं कि हे सद्गुरु, अब आगे का मार्ग प्रशस्त करो। धीरे धीरे करते हुए एक एक धनियों का नाम भजन करते हैं। नाम भजन करते हुए ये जिज्ञासा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि आज हम पहले स्थान के प्रभु का दर्शन करेंगे, फिर दूसरे नाम की माला करते हैं तो दूसरे प्रभु का दर्शन करेंगे, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, सबका करेंगे। ऐसी जो है प्रबल इच्छा अंतर मन में रखनी पड़ती है। इच्छा ना हो, मन में उत्साह ना हो, कुछ भी मिलना नहीं। रूखे फीके सूखे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो ये इतिहास गवाह है, प्रभु के इस देश में, संत महात्माओं के देश में ये गवाही है कि जिसको मिला प्रेम से, जिसने प्रेम किया उसी को मिला, जिसने प्रेम नहीं किया उसको कुछ नहीं मिला। प्रेम का बंधन अटूट है। इसने प्रेम और प्रेम सतगुरु से अपने हो जाए, उस प्रभु से हो जाए तो प्रभु तो वैसे मिल जाएगा। भाव का भूखा है भगवान, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, उसके यहां सब कुछ है, वही सबको देता है। पर तुम्हें अगर प्रभु से, परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से मिलना है तो तुम में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के, भाव के तुम्हें प्रभु परमात्मा मिलने वाला नहीं है। उसी तरह अपने सद्गुरु के प्रति जब तुम्हें भाव होगा तब तुम्हारे सद्गुरु मिलेंगे, और सद्गुरुदेव भगवान जब मिल जाएंगे, सद्गुरु मिल जाएंगे, तब तुम्हारा घटपट खुलेगा। सबसे पहले सतगुरु का ही दर्शन, गुरु का ही दर्शन तुमको होगा, उसी का आत्मबोध आत्मज्ञान आपको होगा। गुरु के नाना रूपों को देखते हुए आपको कंठस्थ कराया जाएगा, आपके घटपट को खोलेंगे और तुमको बताएंगे, देखो बच्चा, जब मैं कबीर था तब मैंने तुमको नाम दान दिया, जब मैं रैदास था तब तुमको नाम दान दिया, जब मैं गोस्वामी था तब तुमको नाम दान दिया। बच्चा तुमको तो तब से पढ़ा रहा हूं, और देखो ये मेरे रूप हैं, कुल चीजें तुमको बताएंगे। चौथे जन्म गुरुपद होता है प्रेमियों, ये अनुभव अनुभूति की जो चीज होती है, घटपट खुलना, रसाई होना, ऊपर चढ़ाई होना, ये धीरे धीरे होता, एकदम से कोई नहीं चढ़ जाता। विमान है तो विमान भी प्लेटफार्म पर पहले स्टार्ट होता है, फिर बाउंड्री लगाता है, घूमता है, फिर अपनी स्पीड पकड़ता है, फिर उड़ जाता है। वैसे ये सूरत जीवात्मा है कि पहले वो भंसती है, रसती है, बंसती है, और ये जास्ती परखती है
कि किस तरह से चलना होगा। प्रभु है भी कि मिथ्या है, धोखा है, इन चीजों के संकल्प विकल्प को करती है। तो सर्वप्रथम कैसे क्या करती है, सतगुरु मिहारा एक वारा, सतगुरु में हरे हो एक वारा, बिंद पार चमक एक तारा, बिंद पार चमक एक तारा। जब स्वामी सतगुरु की मेहर हो गई, मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हो गया और वो एकाग्र चित्त होकर के साधना में बैठा, काला तिल आया, अब तिल के उस पार एक बिंदु चमक रहा है, उस बिंदु को देख रही है, उस बिंदु को देख रही है और बराबर एकाग्र चित्त उसको देख रही है, पर अभी तो वो काले तिल के उस पार है। राम रसाई अंदर चढ़ाई, राम रसाई अंदर चढ़ाई, सतगुरु दया कृपा बनियाई, सतगुरु दया कृपा बनियाई। अब राम से मिलना और वहां रचना बसना और सतगुरु की कृपा होना परम आवश्यक। अब सतगुरु की कृपा हो गई तो चढ़ाई हो गई, अंदर में उस चली और सीधे वो जो बिंदु चमक रहा था उधर पहुंच गई तो राम के दरबार में पहुंच गई। अब राम की रसाई हो गई, राम तक वो जाने लगी और गुरु की दया हो गई, अपने सतगुरु की दया हो गई, अब राम प्रभु के दर्शन कर रही है। तो राम प्रभु के दर्शन कर रही है तो गा भी रही है, सतगुरु मिहारा हुई अति भारी, सतगुरु मिहारा हुई अति भारी, दरस परस ईश्वर जी करारी, दरस परस ईश्वर जी करारी। मेरे सतगुरु की दया हो गई, उन्होंने भेद बता दिया और उनकी ही दया मेहर से मैं आज आपके दर्शन को कर रही हूं, आपके दर्शन मुझको मिल रहे हैं। अगर उनकी दया कृपा नहीं होती तो मुझे दर्शन मिलना दुर्लभ था। ये दर्शन मैं परे स्वामी सतगुरु की दया कृपा से प्राप्त कर रही हूं और स्वामी सतगुरु ने ही हमें दया मेहर करके यहां पर भेजा। मैं उन्हीं की दया कृपा से यहाँ पर आई हूँ और हे प्रभु अब आपकी दया बनी रहे, नित्य प्रति आपके दर्शन हो। तो भी कहते तथास्तु, प्रभु राम भी कहते तथास्तु, रोज दर्शन और जाओ निष्कंटक किया त्रिलोक में, घूमो टहलो और आनंद लो। अब त्रिलोक का मार्ग प्रशस्त हो गया, वो घूमने लगे, कभी स्वर्ग जा रही, कभी वैकुंठ जा रही, कभी इंद्रपुरी जा रही तो कभी ब्रह्मपुरी जा रही, कभी शिवपुरी जा रही तो कभी अयोध्या माँ शक्ति के देश और कभी राम के यहाँ, मतलब पूरे त्रिलोक मंडल में भ्रमण कर देख रही है उस चीज, देख और समझ रही है। अब उसको देखना समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए स्वामी दिखाते समझाते हैं। अब देखते सुनते समय बीत गया, समय निकल गया और आगे की चढ़ाई नहीं हुई। तो अब पछतावा आ गया कि प्रभु स्वामी जी महाराज हे सदगुरु वो मुक्ति तो मिली नहीं, मेरा तो शायद परवाना आ गया है। तो कहते कागज मेरे पास है, चिंता मत कर, मैं दूसरा जन्म दिलाना और नामदान मैं ही दूंगा। तो दूसरा जन्म दिला दिया, अब फिर से वो तैयार हुआ और जब नामदान के लायक हुआ तो बुला लिया, नामदान दे दिया। अब भ्रम उसको कहां पर पैदा होगा, घटपट खुला तो सीधे राम के दरबार में। तो सोच रहा है नीचे का तो विसर्ग वैकुंठ देख रही,
तब जब कोई साध जन मिलता है तो समझाता है या सदगुरु स्वयं समझाता है कि देखो पहले की पढ़ाई कर चुके हो, इधर तुम देख चुके हो, अब आगे चलना। तो उस जन्म में दूसरे जन्म में वो ब्रह्म पद की तरफ चलता है। सतगुरु मिहारायति भारी, सतगुरु में हरे हो ये अति भारी, ब्रह्म पदा कीन तैयारी, ब्रह्म पदा कीन तैयारी। सतगुरु की दया कृपा, अब वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से बादलों की गरज सुनती हुई अब जा रही है, अब जा रही है तो ब्रह्म पे पहुंच गई। अब ब्रह्म पे पहुंची तो अंड की रचना है, और अंड की रचना है मन भी वैसा मिल गया, और उस देश को देख रही है रे लालो लाल है। तो अब वहां गाती भी है, नाचती भी है, और अपने सतगुरु को देख लिया, तो सतगुरु को जब देख लिया तब तो और मतवाली हो जाती है कि जब गुरुए महाराज होली खेल रहे हैं तो मुझे खेलने में क्या दिक्कत है। अब उसे अभी समझ नहीं आई कि गुरु महाराज होली नहीं खेल रहे हैं, इस देश में यही हाल है, यहाँ का ये देश ऐसे है, यहाँ का रंग ऐसा है। अब वो सोच रही गुरु महाराज को होली खेले हम भी खेलेंगे, गुरु महाराज को होली खेले हम भी खेलेंगे। सुन तो सत्संग रही है पर अब उसकी होली खेलने की इच्छा है। कुछ दिन आई गई, एक दिन नंबर आया, सामने आ गया। मालिक क्या यहाँ रोज होली होती है क्या? वहां तो नीचे जाते कुछ नहीं होता, साल में एक बार होती है। कहा बच्चा मैं रोज होली नहीं खेलता, ये देसी उसी तरह का, तू भी तो रोज होली खेल रही, देख तो अपने आप को तब देखती है, है? जैसे स्वामी जी महाराज ऐसे मैं भी हूं, उसी रंग में मेरा भी रंग और गुरु का भी उसी तरह रंग। तो समझाते कि इस देश की ये महिमा है। फिर धीरे धीरे सत्संग सुनाते, उस देश को पूरा घुमाते टहलाते, ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश के दर्शन करवाते, और उस पूरी अंड की रचना को दिखलाते। त्रिवेणी में स्नान करा करके और उसके बाद में ब्रह्म पद प्राप्त करवा करके, पर ब्रह्म ऋषि नहीं बनने देते, ब्रह्म पद प्राप्त रहता, ब्रह्म की पूरी पावर प्राप्त रहती है, पर सारा ताला चाबी गुरु महाराज के पास रहती, नहीं तुम कुछ का कुछ कर सकती हो। तो ब्रह्म पद प्राप्त रहता है, ताला चाबी गुरु के पास रहती है, नहीं तो तुम तो किसी को शराब दे दोगे, दुर्वासा रिश्ते तो फिर ठीक है, तुम्हारा कोई पता ताला, तुम कब मचल जाओ किसको क्या कह दो कोई पता था नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। अब वो प्राप्ति तो हो गई, फिर धीरे धीरे करके यही स्वामी सदगुरु दया करते हैं, पर ब्रह्म कीन चढ़ाई, पर ब्रह्म कीन चढ़ाई, करम बीज को दिया जलाई, कर्म बीज को दिया जलाई। अब धीरे से सूरत को किंगिरी और सारंगी बाजे पर, किंगिरी बाजे पर ऊपर को चढ़ा दिया। वो मानसरोवर पे जाकर के खड़ी होती है, और गुरु भी खड़े हैं, अपने सदगुरु भी कहते स्नान करो। उसमें वो नहाती है, जितने कर्मों के बीज है जो कुछ है कर्म कलमल सब खत्म, अब वो निर्मल पवित्र, और उस देश को अब देखने की होड़ लग गई। कहीं झूला झूल रही तो कहीं स्नान कर रही, तो कहीं बगीचे में टहल रही, तो कहीं क्या कर रही, कहीं वो गेट देख रही तो कहीं क्या देख रही। जैसे मेले में कोई गया, कहा भैया वो तो वाला अच्छा, वो बहुत अच्छा, वो वाला और अच्छा, वो वाला और अच्छा, यही हो रहा। आप पूरे देश में वहां धमा चौकड़ी मची है, कोई मोरसेवर पे चढ़ रहा तो कोई नीलगिरी की तरफ जा रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, यही हो रहा है। आते और जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी वहां, और यही असली हरि का देश है जहां पर मुक्ति मिली। अब कर्म बीज तो रहा नहीं, मुक्ति मिल गई, और फिर ये बाजा इतना मस्त होता है, जिस समय घुंघरू डाल करके वो बजता है
तो मन तो वैसे मचलने लगता है। किंगिरी और सारंगी जब बजता है तो मन वैसे मचलने लगता है, अरे क्या कहने हैं, खूब नाचने जैसा लगता है। पूरे हरि की महिमा और देश को खूब अच्छे ढंग से देख लेता है, फिर पार ब्रह्म के दर्शन को करता है। तत्पश्चात ऊपर की तरफ फिर गुरु महाराज ले चलते हैं। जब ऊपर की तरफ ले चलते हैं, महाशून्य का बड़ा मैदाना, महाशून्य का बड़ा मैदाना, पार है उसके महाकाल का मुकामा, पार है उसके महाकाल मुकामा। वहां जो बहुत बड़ा मैदान है, सफेद भक्त उस मैदान में उड़ते 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 गुरु के संग जाते 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 भंवर गुफा तक पहुंचते, और उस किले के दरवाजे में गुरु ही पार करवाता है, किसी दूसरे की बस की बात नहीं, वो भी समरस संत सत गुरु को पार करवाता है। फिर जब किले के अंदर जाता तो पीछे दुबका रहता गुरु महाराज के पीछे, ऐसे पकड़े रहता है गुरु महाराज को, कि क्या भयानक है, ऐसा अद्भुत अजब किला है कि वो गुरु महाराज को पकड़ के जाता है। धीरे 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 उस गुहा में अंदर गुफा के अंदर जा पहुंचता है तो गुरु महाराज की कुटिया में पहुंच जाता है। वही भजन करता आता जाता, भजन करता रहता, कुछ दिन जब बीत जाता, कुछ परिपक्व होता है तो उसे छूट देते जाओ। अब वहां कृष्ण भगवान जैसी बंसी बज रही मनमोहक, यहां लड्डू जी भी बजाते हैं, अब वो बज रही है उसी को सुनते सुनते चली गई। और जब वहां पहुंच गई तो तमाम सुरतें नाच रही, वो भी नाचने लगी, महाकाल के पुरुष के दर्शन को कर करके बाग बाग हो गई और नाचने लगी। नाचते गाते फिर धीरे से स्वामी जी महाराज अपने सदगुरु वापस बुलाते हैं और वहां बैठाते हैं। धीरे धीरे करके उसको पका लिया। अब इतने में उसके किसी के 3 जन्म, किसी के 4 जन्म, किसी के 5 जन्म, किसी के 7 जन्म भी निकल जाते हैं। गुरु महाराज कहते नहीं थे कि बच्चों इसमें तो 7-7 जन्मों के 5-5 जन्म पहले नामदान मिला भी पार रहेंगे। जीव बैठे भी हैं कबीर साहब के, नानक के, दादू के, दरिया के, बताते हैं कि नहीं बताते। तो दादू दरिया नानक कौन था ये तो तुम्हें अंदर में पता चलेगा जब चलोगे तो, कि दादू कौन थे, दरिया कौन थे, कबीर कौन थे, जय गुरुदेव कौन थे, ये सदगुरु जय गुरुदेव कौन है, ये सब पता चलेगा। पर अंदर में चलोगे तो कनफुक्कू बाबा के यहां नहीं पता चलेगा। जहां अंतर्बोध आत्मज्ञान होगा वहीं पता चलेगा। ये आध्यात्मिक रिसर्च सेंटर है, उसी में पता लगेगा कि इसमें क्या है। लैब के अंदर टेस्ट में पता लगेगा कि कैसे क्या हुआ। तो वो सदगुरु अब धीरे से अपने पास बुलाते हैं, फिर उससे कहते हैं, सत्य धाम चल तू दीवाना, सत्य धाम चल तू दीवाना, आयो है तेरा परवाना, आयो धाम चल तेरा परवाना आ गया। अरे परवाना किसका, ले जाना उन्हीं को, परवाना उन्हीं को बना, पर तेरा परवाना आ गया, चल सतलोक। फिर वो सतलोक धाम ले गए। जब सतलोक धाम ले गए तो वहां सतपुरुष पूछ रहे, भाई गुरु तो गुप्त हो गया, अरे जा रही पीछे तो देख नहीं रही। वहां पूछते आवाज आई, हेलो किसने यहां भेजा, किसने भेद बताया, किससे हुक्म से आई, किस तरह यहां आई। तो उसे बताना पड़ता है, मेरे समर्थ संत सदगुरु फला, उन्होंने आपका भेद बताया, उन्होंने ही यहां पहुंचाया। तो कहते हैं अच्छा आ जा। फिर सतपुरुष के दर्शन होते, उसमें गुरु का ही रूप होता है, किसी दूसरे का रूप नहीं होता। गुरु के रूप के दर्शन हो गए,
फिर उसके बाद में रास्ता साफ हो गया, अलग पर गई, वहां भी गुरु के रूप के दर्शन हुए, रास्ता साफ हो गया। अगम पर गई, गुरु के रूप पे दर्शन हो गए, रास्ता साफ हो गया। फिर अनाम में गई तो अपने पूरे सतगुरु को प्राप्त किया, जिस तरह यहां पाया था उसी तरह वहां भी बैठे, जो यहां बोल रहे वही वहां बोल रहे। अब वो अरे ये कलाकार इस तरह के, तब उसकी समझ में आता है कि उस मृत्यु लोक में भी यही बोल रहे और इस अनाम लोक में भी यही बोल रहे। उसी अनामी प्रभु को आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष कहा जाता है और उसी को शब्द भेदी कहा जाता है, उसी को सतगुरु कहा जाता है, उसी को कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता शब्द रूप व्यापक भगवान होता, वही है। और कभी आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष का ना नाम मिटा है और ना मिटेगा। यहां वक्त वक्त के संत सदगुरु जब आते हैं, वही उनकी जो पावरें आती हैं उनको जिस नाम से संबोधन करते हैं उस पे वो खुश होकर के दया कर देते हैं कि ठीक है हम इसी नाम से काम कर देंगे और मिलेंगे, बस उसी नाम से काम होने लगता है। देखो राम नाम तो सभी लोग जपते हैं, जो काटता है वो भी, जब हम शाकाहारी प्रचार करने जाते हैं तो नहीं बोलते अरे जय गुनई वो ककड़ा था लिए मुर्गा लेटा हुआ है, अब मुर्गा छोड़ दिया जय गुदे बोल रहे तो क्या काटना बंद करेंगे, उनका धंधा वही है। वो कुछ दिन सुन करके चाहे बंद कर दें, बाद में कहेंगे अरे भैया, और अगर 10 मिनट के लिए रुक गए उधर जिधर इनकी दुकान लग गई है, तन मना करता कौन खराब अंडा मछली मांस खराब क्या खाने से होगी बुलाई साग सब्जी दूध बुलाई, तो अंडा मछली वाले हाथ जोड़ते हैं भैया थोड़ा आगे बढ़ जाओ हमारा धंधा खराब हो रहा है आगे चले जाओ थोड़ा, ये भाई हम तुमको कुछ कहते नहीं पर आप आगे चले जाओ नहीं हमारा धंधा चौपट हो जाएगा बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो ये नहीं जानते कि कोई दूसरा धंधा कर ले तो अच्छा कमाई होगी तो 84 में आएंगे, पर क्या करें ससंगी भी मजबूर होकर के कहते भाई चलो भाई क्या करेंगे लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते गुरु का आदेश है सो पालन कर रहे। प्रेमियों एक महात्मा जी थे, महात्मा जी के दरबार में कई शिष्य थे, शिष्यों में बहुत से शिष्य थे, तो एक शिष्य को थोड़ा ज्यादा मानते थे। एक दिन झलक दिखा दी, जब झलक देख ली तो कहा अब तो हम ब्रह्म हो गए सब कुछ देंगे सब, और इस कुटिया में बैठ करके क्या करेंगे, यहां रोज भिक्षा मांगने जाओ ये करो वो करो, अब तो ओम ब्रह्म तत्स फटते गुलाब का फूल ओम ब्रह्म तत्स ये आ गया हो गया, अब चमत्कार की पावर आ गई ये लो वो लो ये लो वो लो। पर गुरु ने चमत्कार की पावर तो दे दी, कुछ अध्यात्म का वो रस आ गया पर अभी वो ज्ञान नहीं दिया क्योंकि वो पका है ही नहीं, तो गुरु से अपने क्या कहता है गुरु महाराज अब हम भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, अब हम ज्यादा ज्यादा लेकर के नीचे जाएंगे प्रचार करेंगे और खूब लाद करके धनमाया माल खजाना लाएंगे जो कर। अरे कहा बच्चा किस कोड़ में पथ रहे हो, रूखी सुखी खाओ इच्छा मांग के लाओ पाप नहीं लगेगा भजन बनेगा उद्धार हो जाएगा, कहना गुरु महाराज हम तो जाएंगे। अरे कहा नहीं बच्चा ये काम अच्छा नहीं भी पक्के नहीं हो करें हम जाएंगे, तो ऐसे मेरे गुरु महाराज ने कहा अब तो ये काम नहीं होगा पर ये करेंगे, अब तो ये काम नहीं होगा पर ये करेंगे, अब तो ये काम नहीं होगा पर ये करेंगे, तो ये कहा हमारे गुरु महाराज ने आप लोगों की समझ में नहीं आया। और ये भी कहा ये बलकल वस्त्र है ये टाट बाना फकीरी है इसको जो उतार दे उसमें विश्वास मत करना,
सब कुछ कहा लेकिन आपकी समझ में नहीं आया तो कोई क्या करे। वैसे वो भी गुरु कह रहे हैं कि पके नहीं हो, जाना मत। नहीं जाएंगे। बस वो गया भाई। अब जब गया, नीचे पहुंच गया, अब बैठा पीपल के पेड़ के नीचे गांव में तिलक चंदन लगा करके। गांव वाले देखा, कहा भाई ये क्यों? तो कहा महाराज जी, अरे महाराज जी हमारे घर में बड़ी तकलीफ है, ये है वो है, बड़ी परेशानी है, कुछ दया दुआ कर देते। कहा अच्छा, ये लो ऐसे किया, एक गुलाब का फूल आया, कहा ले जाओ, पूरे घर में सुगंधी फैल जाएगी, सारी खुशहाली आ जाएगी। तो जो कमाई थी दर्श की, उसी ने बताया कि भाई महात्मा जी आए थे और ले करके वो अपना 10-5 किलो कुछ दूध दही घी फल पहुंचा। अब प्रचार हो गया, दूसरे दिन पहुंचा, फिर पहुंचे लाल दूध की कटरी, कहा देखा गुरु महाराज ये एक सेकंड में ले आए, खाओ मस्ती से। कहा बच्चा तुम्हें खाओ, तुम्हें खाओ, तुम्हें खाओ, हमारी तो वही नमक रोटी थी। फिर दूसरे दिन पहुंचे भाई 10-20-50। अब लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई, प्रकट करते गए, प्रकट करते गए, प्रकट हो गया 50। दूसरे दिन चर्चा हो गई 5,000 की। 5,000 की पब्लिक आई उस दिन, खूब छकड़े में लदा के ले गए, लेकर के गए गुरु महाराज के आश्रम। जब 5,000 की पब्लिक आई तो जिसका नंबर आया, लो भाई ये लो, ये लो, ये लो, ऐसे ऐसे करते जाए। कुछ लोगों ने सोचा कि यार कोई झोली में ज्यादा होगा नहीं, ऐसे करें उसके बाद ऐसे कर दें, ऐसे करें। अब झोलियों का कहना है यार, जब सब कुल देन दे हैं और हमारे पास तक नहीं पहुंचेगा तो हम लोग क्या करें। लेकिन फिर बस पकड़ो झोली वाले बाबा, और जितना झोली के अंदर हो कुल निकालो। कहें बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, अब निकालने में क्या दिक्कत, इसी में से निकाल निकाल दे ही। अभी चलो देखते हैं कि हम फौरन पकड़ा जोटा अधर पटका, झोली जिसका हाथ, झोली चर उस पार उस पार। अरे जितने चिथड़े थे कपड़े सबके तो चिथड़े हो गए। अरे गुरु महाराज बचाओ, अरे गुरु महाराज बचाओ, और वो लगे नोचने, हमको नहीं मिला अभी, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। उनकी कहीं सारी गुदड़िए का खेल है, बकुल गुदड़ी उनकी नोच नाच के ठीक ठाक, हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया। अब रे गुरु महाराज पड़े हैं चिल्ला रहे, रे गुरु महाराज, रे गुरु महाराज। और गुरु महाराज देख रहे हैं वहां से कि अब तो हाथ पैर गया टूट, और जितना कमाई थी वो भी गई छूट। अब इसका क्या करें, क्या एक काम करो, जाओ उसको बच्चों उठा लो और यहां आश्रम पे छोड़ दो, रोटी बाटी दे देना, खा लिएगा, हाथ पैर में फट्टे खपाचे बांध दो, अगर भजन करेगा तो पार हो जाएगा, कुछ करेगा तो पार हो जाएगा, एक बार और समझा देती हैं, और नहीं करेगा तो सीधे 84 में जाएगा। गुरु द्रोह किया, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो गुरु तो दाता दयाल है, उसने माफ किया, पर मेरे गुरु महाराज ने कहा है मैं तो माफ कर दूंगा, पर मेरे बच्चे माफ नहीं करेंगे। तो ये माफ करते हो तो कर दे, हम तो नहीं माफ करते, और आप लोगों को करना है तो आप लोग भी कर सकते हैं, हम तो नहीं करते। जो चीज जान जाएंगे कि गलत है उसको माफ नहीं करेंगे, और जो जानेंगे कि सही है तो उसमें तो सब कुछ करेंगे। तो प्रेमियों, गुरु के आदेश निर्देश को हमेशा मानते रहना चाहिए। जो शयन बहन में आदेश हो उसी को पालन करना गुरुभक्ति कहते हैं। तो प्रेम इसी तरह गुरुभक्ति होती है। तो ये संगम तट है और यहां संगत बैठी हुई है, संगत ही इस समय गुरु का स्वरूप है, सबके अंदर वो प्रभु परमात्मा सत्स्वरूप विराजमान है। तो सबको हम सत्संग नमन रोज भी रोज करते हैं, आज भी करते हैं आप सभी लोगों को, और साथ ही साथ ये बताते हैं कि जैसे प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़। अब यहां प्रेमियों का ताता लगा है तो यहां तो होली जैसा माहौल रहेगा ही, तो अब होली ही हो, उसके बाद में ध्यान भजन तो होता ही रहेगा,
क्योंकि यहाँ धन भजन का कार्यक्रम है, शाकाहारी प्रचार का तो आदेश बजाना है और ध्यान भजन करना है। क्या काम है? शाकाहारी प्रचार, सुबह शाम ध्यान भजन, अनुभव रूपी आत्मज्ञान, आत्मबोध आत्म। तो कैसे हम सब लोग मिले? सतगुरु की संगत है भारी, सतगुरु की संगत है भारी, इसमें है भारती सब नर नारी, इसमें है भारती सब नर नारी, नर मानो का पोल है जारी, नर मानो का पोल है जारी, जाते वो फिर कते ना जाने, सतगुरु जी की बतिया को हम माने, सतगुरु जी की बतिया को हम माने, जहाँ जहाँ सतगुरु की खिलिया बगिया, जहाँ जहाँ सतगुरु की खिली है बगिया, उसमें सतसंग जल डाले, उसमें सत्संग जल डाले, सतगुरु जी की बतिया को हम माने, सतगुरु जी की बतिया को हम माने, स्वामी जी ने प्रेम का संदेश है बताया, स्वामी जी ने प्रेम का संदेश ध्यान भजन है पढ़ाया, सुमिरन ध्यान भजन है पढ़ाया, तुम भी मुक्ति पद पाई, तुम भी मुक्ति पद पाई, गर सतगुरु नाम भजन गाई, गर सतगुरु नाम भजन गाई, स्वामी जी की बगिया जब है निराली, स्वामी जी की बगिया जब है निराली, जगह जगह फूल खिले और फूलवारी, जगह जगह फूल खिले और फूलवारी, नाम या नाम के गुण गाए, सतगुरु का सत्संग सुनाई, सतगुरु का सत्संग सुनाई, निहर हो ये घट बीचे भारी, निहर हो ये घट बीचे भारी, चंदा सूरज की उजियारी, चंदा सूरज की उजियारी, सतगुरु चरणन सब जाई, सतगुरु चरणन सब जाई, सतगुरु जी का ही सब गुण गाई, सतगुरु जी का सही सब गुण गाए, सतगुरु चरण नशीस झुका कर, सतगुरु चरण नशीस झुका कर, राम रतन धन फल पाए, राम रतन धन फल पाए, सतगुरु जी का गुण हम सब गाए, सतगुरु जी का गुण हम सब जाए, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, प्रसाद बांट लो, शीत लहर चल रही है, इसलिए अंदर में चल करके अपने अपने टेंट राउटियों में बैठ करके ही सुमिरन ध्यान भजन करोगे। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव।